आज की हमारी जो मीटिंग अग्रवाल समाज के जो मुख्य व्यक्तियों की एक मीटिंग हमने आज रखी धर्मशाला के अंदर, उसका उद्देश्य रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्रोग्राम 1 तारीख का शाम 6 बजे का मंत्री जी का अभिनंदन समारोह समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से कैथल विधानसभा के सभी अग्रवाल समस्त समाज के सभी की तरफ से स्वागत किया जाएगा। इस अभिनंदन समारोह के अंदर पूरी विधानसभा के अग्रवाल समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और एक संदेश कांग्रेस पार्टी को और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर देंगे कि समस्त अग्रवाल समाज आज भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ खड़ा है। कितने बजे प्रोग्राम है, कहाँ है? प्रोग्राम 1 सितंबर को शाम 6 बजे जो खुली अड्डा है धर्मशाला, जो हमारी अग्रसेन धर्मशाला है, स्थानीय रहेगा। क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा बनाएंगे? कार्यक्रम अभी मैंने आपको बताया कि समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से भाई साहब का रणदीप सुरजेवाला जी का अभिनंदन समारोह किया जाएगा। कोई संस्था के अंदर होगा या समस्त अग्रवाल समाज, वैसे ही आपने नाम रखा है इसका? नहीं, ये कोई संस्था नहीं है, ये समस्त अग्रवाल समाज का। इसमें पूरी विधानसभा के, चाहे गाँव में जो लोग हमारे अग्रवाल समाज के रहते हो या कैथल से बाहर भी, जिले के अंदर उड़री से हो, चीका से हो, कलायत से हो, जो भी अग्रवाल समाज के लोग प्रोग्राम के अंदर स्पीक करना चाहते हैं, जो सुरजेवाला जी से प्यार करते हैं, वो सभी प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं, सभी को निमंत्रण। नज़दीक में विधानसभा चुनाव है सर, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार से मजबूत करेंगे रणदीप सिंह? देखिए, आप सबको पता है कि भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आज एक मजबूत उम्मीदवार हैं और लगभग उनकी जीत तय है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला की होगी। और इस जीत के अंदर कैथल का अग्रवाल समाज, समस्त अग्रवाल समाज अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। सर, जिस प्रकार से भाजपा राज की बात की जाए, 10 साल का लंबा राज रहा, तो इस राज के दौरान व्यापारी वर्ग का आपसे जुड़ाव रहा, क्या खोया, क्या पाया? देखिए, हम सब जानते हैं कि भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा सरकार ने अग्रवाल समाज के लोगों का शोषण किया, अग्रवाल समाज के लोगों को अपना व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर किया। आप छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, और व्यापार के अंदर जितने भी अग्रवाल समाज के लोग हैं, आप आज उनका जो व्यापार है देखिए कहाँ पे, 10 साल पहले कहाँ खड़ा था, आज उनका व्यापार कहाँ पे खड़ा है। मंडियाँ आज बंद होने के आ गई हैं, आढ़तियों की जो आढ़त है सरकार ने वो कम कर दी है, आए दिन व्यापारियों से फिरौती वसूली जा रही है, धमकी के फोन आ रहे हैं, भ्रष्टाचार आप देखिए, इस ज़िले के अंदर ही देखिए, कैथल को छोड़िए, पूरे ज़िले के अंदर देखिए, पूरी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के लगते ही इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को हटाया अभी। इसके अलावा आपने पहले भी एक ऑफिस के अंदर, आपको पता है, 3 करोड़ रुपए मिले थे एक सेक्रेटरी के पास, उसके अंदर भी बड़े नेताओं की संलिप्तता थी। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि कितने बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। व्यापारी का तो आज ये हाल है कि वो हरियाणा छोड़ने को मजबूर है, कैथली नहीं, हरियाणा छोड़ने को मजबूर है। इसीलिए सभी व्यापारियों ने मिलकर फैसला लिया, मंडी के व्यापारियों ने भी, मंडी एसोसिएशन जो प्रदेश की एसोसिएशन है, उसने भी ये फैसला लिया है कि हम भाजपा का विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो आप बात कर रहे हो समस्त अग्रवाल समाज की, लेकिन संडे को अग्रवाल सम्मान समारोह था कैथल में, वहाँ जो चेहरे यहाँ हैं वहाँ ये चेहरे नहीं दिखे, तो समस्त अग्रवाल समाज कैसे
मंच के नीचे पहुंचेगा? देखिए, आप सबको पता है कि कुछ साथी, चाहे उस समाज के हों चाहे वो व्यापार से जुड़े हों, वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। अगर वहाँ पर हमारे कुछ साथी या समाज के लोग गए थे, अब जिन जो आयोजक थे प्रोग्राम के, उनके अपने निजी संबंध भी हो सकते हैं, वो भाजपा के बुलावे पे नहीं गए वहाँ पे, कुछ लोग हो सकते हैं गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने निजी संबंधों के लिए वहाँ पर गए थे। समस्त अग्रवाल समाज और व्यापारी वर्ग इस भाजपा जो ये निर्मम सरकार है इससे दुखी है। आप लोगों में कोई चेहरा वहाँ दिखा नहीं मंच पर? या मंच पर वहाँ मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर लगभग जो भाजपा नेता, उनसे संपर्क में जो साथी थे, जिनका उनसे जुड़ाव है, जिनका उनसे लगाव है, वही लोग वहाँ पर थे, और वही उनमें से ज़्यादातर लोग आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिखेंगे। 100% अग्रवाल परिवार, अग्रवाल समस्त समाज भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है, और इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ कर एक मैसेज देगा, पूरे ज़िले के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाएगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ अग्रवाल समाज तह दिल के साथ खड़े। जो समाज के लोग हैं भाजपा के साथ खड़े हुए जो दिखाई दे, क्या उनको समझाया जाएगा, घर वापसी को करवाई जाएगी, बुलाया जाएगा? उन सबको पता है जेपी भाई, उनको सबको पता है कि भाजपा ने उन सबके साथ क्या क्या कर रखा है। हर साथी किसी न किसी रूप में दुखी है, वो बताए ना बताए, हर साथी ये चाहता है कि भाई समाज का ही नहीं, हर वर्ग का, चाहे किसान वर्ग है, कोई किसी बरादरी का, छत्ती बरादरी का साथी ये चाहता है कि भाई ये सरकार जाए, कांग्रेस सरकार आए, और इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को बड़े से बड़ा सीएम लेवल का कम से कम उनका पद मिले, जिससे कैथल के अंदर जो जैसे पहले 10 साल पहले व्यापारी वर्ग और अग्रवाल समाज ने तरक्की की, उन्नति की, आज भी लोग यही चाहते हैं कि भाई साहब की सरकार आए, वो मुख्यमंत्री बने, और फिर से अग्रवाल समाज का दबदबा हो, और अग्रवाल समाज निर्भीक रूप से अपना व्यापार कर सके। मैं सबसे पहले अपने प्रेस साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधान सतीश जी ने सभी बात को स्पष्ट रूप से बता दिया है, अग्रवाल समाज की अभी धर्मशाला के अंदर मीटिंग हुई, सभी समाज के आदमी, बिल्कुल एक से एक शहर के आदमी यहाँ पर मीटिंग में आए थे। हमने यही निर्णय लिया है कि 1 तारीख को 6 बजे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का यहाँ पे अग्रवाल समाज, समस्त अग्रवाल समाज यहाँ पे स्वागत करेगा। सभी व्यापारी बढ़ चढ़ कर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ रहेंगे। इसमें जैसे आप सभी साथियों ने पता है, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अग्रवाल समाज के लिए बहुत किया है, ये समाज के अंदर सभी बातें आज चली, समाज के अंदर धर्मशाला के अंदर ये धर्मशाला बैठी है, ये समाज रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन है। जो 2-2.5 करोड़ रुपये रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन थी, महाराजा अग्रसेन चौक जो पेवा चौक पे है, ये समाज को किसने दिया? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। लाला लाजपत राय पार्क किसने दिया? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। महाराजा कम्युनिटी सेंटर किसने दिया? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। महाराजा शक्तिपीठ तो बता दिया था, और मनीष स्मारक किसने दिया? जो एक अग्रवाल समाज का लड़का जो व्यापारी की मदद करते हुए शहीद हो गया था, वो ये बीजेपी वाले 10 साल हो गए कुत्ते, वे कह रहे थे हम इसको समाज में दर्जा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, आज तक उनको ना सरकारी नौकरी मिली मनीष मित्तल को, ना मिला। मनीष मित्तल का जो भी मारक का, वो मेरी कलम से, मैं चेयरमैन था उस टाइम, रणदीप सिंह सुरजेवाला वाले दिन से मारक का नाम रखा गया था, आज तक मनीष मित्तल के नाम से अग्रवाल समाज का आज तक बीजेपी सरकार ने एक काम ये बता दो अग्रवाल समाज का ये किया है? हाँ, बीजेपी सरकार ने काम जरूर किया है, मंडी का रोजगार बेरोजगार बना दी, सारी की सारी मंडियों में ताड़ा लगाने का काम किया है, सारी की सारी अड़त खत्म कर दी। अब प्रधान जी बैठे हमारे श्याम बहादुर जी, 14-12 करोड़ रुपए की प्रधान जी अभी नवी कटौती पूरे जिले की गेहूँ में काटी है। अग्रवाल समाज को इन्होंने खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी 10 साल के अंदर। इसी निर्णय को देखते हुए चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो अग्रवाल समाज के लिए 24 घंटे खड़े रहते थे, अग्रवाल समाज का एक स्तंभ है चौधरी रणदीप सुरजेवाला, इसी को देखते हुए हमने रणदीप सुरजेवाला का प्रोग्राम 1 तारीख को प्रधान जी ने, सतीश जी ने सारे बताया, हम पूरे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और पूरा अग्रवाल समाज रणदीप सुरजेवाला को
बड़ी भारी वोटों से जिताएगा, कम से कम 50,000 वोटों से जीत होगी। किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट आ जाए, उसकी सबकी जमान जब्त होगी। ये मेरी बात लिख लेना, मैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूँ, बाकी सारे साथ दूसरी तरफ आप साथ देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही के समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। वो सब भाई हैं, उनके पास हम जाएंगे, सबको समझाएंगे। उन्होंने वैसे दिखावे के लिए जा रहे हैं, उन्होंने पता है जो अड़ती है उसको तो पता है, एक पर्ची नहीं मिलती अड़तियों की। यहाँ पे मंडी का गेट में नहीं बढ़ने देते आपकी बार बीजेपी वाले को, ये प्रधान जी बैठे हैं सारी बातों को पता है, मतलब बुरा हाल करके मंडी का, सारे व्यापारों का बुरा हाल करके है। हम अपने भाइयों को समझाएंगे और उनको अपने साथ लाएंगे, एक आधा होगा, कोई खास बात नहीं है, बाकी 95% हम अग्रवाल समाज एक है सारे का सारा। विस्तार से तो हमारे सभी साथियों ने आपके सामने अपनी बात रख दी है, मैं तो केवल मात्र दो बातें रखना चाहता हूँ कि समस्त अग्रवाल समाज से हमारा निवेदन है कि वो 1 तारीख को सायं 6 बजे जखोली अड्डा महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि यह समस्त अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक पूरा समाज यहाँ नहीं आएगा तो हम लोग अपनी एकता का परिचय नहीं दे पाएंगे, और हम लोग जिसको मुख्य अतिथि बनाने जा रहे हैं उसको यह नहीं कह पाएंगे कि हम लोगों ने आपकी मदद की है। इसलिए आपके माध्यम से पूरे समाज से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में आने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे हम लोग उसके पास किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से नहीं पहुंच पाए या व्यक्तिगत नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझ के, समाज का कार्यक्रम समझ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का प्रयास करें। धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मैं मंडी में पहले पूर्व में प्रधान रहा, मैं एक बात कहता हूँ गवर्नमेंट से कि सरकार ने हमेशा किसान की फसल के रेट आए साल बढ़ के आते हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ के आती है, अरे हमारी हड़ तो रेखा खत्म कर दी। एक आड़ती को चोर और मां ठगी कहा गया, मैं तो ये कहता हूँ कि व्यापारी भाइयों से इस सरकार का बायकॉट कर देना चाहिए। एक छोटा सा मां आड़ती क्या मांगता है अपनी मजदूरी, किसान फसल लेके आता है उसकी कणक फसल तुल जाती है, जेब भर गवर्नमेंट बढ़ाती है, पेमेंट उसके खाते में जाती है, वो शॉर्टेज आड़ती के खाते से क्यों? मैं गवर्नमेंट इस बीजेपी गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि ये शॉर्टेज आड़ती से क्यों काटी जाती है? जो हमें आर्त 2% देती है वो 85 रुपये देती है, जो 12 रुपये हमारी आर्त खाती है वो भी हमारी शॉर्टेज में चली गई। मैं तो व्यापारी भाइयों से कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट का पाया काट कर देना चाहिए, जिसने हमारे बच्चों को सड़क पर बैठा दिया। शहर के अंदर आप देखो, जब 10 साल पहले गवर्नमेंट रही है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की, शहर की क्या हालत थी, शहर के चारों साइड में सड़कें जो है चकाचौंध थी, आज जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कोई काम समाज का, कोई सड़कों का, कोई शहर में कोई एक काम में ये गवर्नमेंट कहे कि मैंने ये काम किया है शहर में, और उसके टाइम में कितने कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, मेरा कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी धर्मशाला ना बनी हो। मतलब जो काम सरकार ने करने चाहिए, स्कूलों को अपडेट करना, स्कूलों की फीसें कम करना, ये इतने काम उस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने टाइम में किए। मैं कहता हूँ कि उस हमारा दुर्भाग्य था जो पीछे हमने उसको वोट ना दे के या वोटों की चोट से उसको बोलो ऐसी मार दी। शहर के लिए ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत है, और इसका मन से साथ देना चाहिए सभी शहरवासियों ने, और मंडी के व्यापारियों से खासकर मैं कहता हूँ कि इस आदमी का समय आ गया है गवर्नमेंट का इसको सबक सिखाने का। जिस आदमी ने इनके पेट पे लात मारी है उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया, और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भारी बहुमतों से विजय बनाने का समय। सबसे पहले तो
अपने पत्रकार भाइयों का स्वागत करते हैं जो हमारे कहने पर आप आ जाते हो और हमारी बातें सुनते हो और समाज में पहुँचाते हो, सरकार में पहुँचाते हो। हमारा तो कहना ये है, सबसे पहले बात है कि आप गढ़वाल बरादरी जो है इसका कोई वारिश नहीं है, चाहे वो सरकार कोशी की भी हो। मेरी तो पहले आप गढ़वाल बरादरी से बंधुओं से ये प्रार्थना है कि आप एक नाके में चलो, एक को चुनो और एक को बनाओ जो हमारा साथ दे। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे मंत्री भी रहे हैं, हमारा विकास भी बहुत कुछ हुआ है, उसके जाने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप आ जाती है वैसे तो रणदीप जी का हक भी है हमारे से, वोट लेने का भी, सपोर्ट लेने का भी, क्यों अच्छा प्रवक्ता, अच्छा एमएलए, अच्छा मंत्री किसी किसी को मिलता है। ये हमारी जौन सी कौन सी कहतर में सबसे बड़ी ये है कि हमें रणदीप सिंह जी मिले और इनको रणदीप जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटें देखें, हम इनको बनाएंगे। जहाँ तक अग्रवाल समाज का है, भाई अग्र साहब ने कभी उन्होंने सम्मेलन कर दिया, कभी हमने कोई सम्मेलन नहीं है। हम तो एक अग्रवाल बरादरी ये बात रखना चाहती है, हमारा भी कोई हिस्सा किसी सरकार में होना चाहिए। आप आ जाओ बीजेपी सरकार की बात पे, मैं पुरानी नाथ मंडी का प्रधान हूँ। अभी 23 तारीख को हमारी करनाल में सारे हरियाणा के स्टेट प्रधानों की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया जो सरकार हमारे पेट पे लात मारेगी, हमारे बच्चों की रोटी खोसेगी, हम उसको एक भी वोट नहीं देगा। हमारी तो ये है भाई, सरकार का काम है रोजगार देना, ना कि खोसना। अब ये बताओ हमारे 58 रुपये अर्थ बैठती है, 45 रुपये दे रहे हैं, 13 रुपये तो ये कट गए। अब जिमीदार की जो फसल आती है उसको हम साफ भी करवाते हैं, तरवाते हैं, निगरानी भी करते हैं उसकी, गवर्नमेंट परचेज करती है, जे फार्म गवर्नमेंट कटवाती है, पेमेंट उनके खाते में चल जाती है। अब करोड़ों की कटती हमारे खाते में पड़ गई, जैसे आप हमने इन्होंने मंत्री जी ने अपना नायब सैनी जी ने बुलाए थे आरती भाई सारे वहाँ चंडीगढ़, तो इन्होंने कहा भाई चलो 55 रुपये तुम्हारी दाम भी कर देते हैं। 55 क्यों करो, तो हमारे 53 किस बात के और घटा रहे हो, किस बात के घटा रहे हो 2.5%। वैसे तो हमारी होनी चाहिए 3%, 2.5 पे भी हमारे पीछे काटते जाए, ऊ तो खराब बांटन लग रहे समाज में, हमारे पीछे तो ना काटो, चलो हम तो कुछ मांगते नहीं। और जो घटती है हमारे जिले की 16 करोड़ की घटती है कल कैथल जिले की, जो कि 12 करोड़ सारी हमारे हरियाणा की मंडियां के माफ करें, कैसे चलेगा ये काम? ये लॉलीपॉप देती है सरकार, इसके पर कुछ नहीं है। हमारी प्रार्थना यही है कि आप लसंस रूट की तो पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं नहीं करेंगे, और शायद 2 रुपये का कागज दे ले भाई ले जा, और हमारा क्या कर देंगे भाई, लसंस के मतहत ही होंगे इनके, ले भाई तेरा 2.5 रुपये का टुकड़ा ले जा, फिर तो हम फ्री हैं, फिर तो किसी सरकार के मुताज को नहीं, 1-2 रुपये के टुकड़े पीछे हमारे लसंस भी कैंसिल करें। क्या फीम बेचे फीम बेचे भाई अपने आप, क्यों हम जिम्मेदारा की सेवा करें किसान की, वो बर्दाश्त को नहीं सरकार को। आप लोगों ने हमारे अड़ती भाइयों की तो समस्याएं सुन ली है, जिस हिसाब से आपको पता चल गया कि सारे व्यापारी वाकई में बीजेपी सरकार से परेशान है, और ये भी कोई दुराई नहीं है कि आज राइस मिल ट्रेड भी इस संकट से गुजर रही है कि बीजेपी सरकार राइस मिल ट्रेड की भी मिलिंग के पैसों में से, राइस के पैसों में से कटौती करती जा रही है। हमारी राइस मिल इंडस्ट्री भी आज बीजेपी गवर्नमेंट से बड़ी नाराज है, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कांग्रेस सरकार को जिताएंगे, और अब की बार वो नारा लेके आएंगे, अब की बार 80 पार। जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट नारा लगाती थी 400 पार, उनको तो पता चले गए कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अब की बार हम एक चीज़ कहते हैं कि कांग्रेस सरकार 80 पार। अब की बार हरियाणा में नाम कांग्रेस सरकार का नाम करेंगे, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को हम कैथल से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, ताकि वो सीएम पद की कुर्सी हमारे कैथल में लेके आए और हमारे व्यापारियों की समस्या सुने। हम व्यापारी बड़े परेशान हैं, अपने दुखड़े किसके आगे रोएं, हमारे को सुना लोकल एमएलए सुनने वाला नहीं है, एमपी सुनने वाला नहीं है, सीएम सुनने वाला नहीं है,
एक हमारे पास रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं जो अभी भी हमारी समस्याएं सुनते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, और हम चाहते हैं कि वे पावर में आए और हमारे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें और हमारे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। एम पी बेशक हमारे समाज से है, आप देखिए जिस दिन से वे एम पी बने हैं हमें तो कैथल में नजर नहीं आया एक दिन भी। मैं कभी आज तक, वैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कैथल मंडी का, तीनों मंडियाँ हैं, जब हमारा सीजन चलता है पैडी का या वीट का, कभी एमएलए साहब, कभी एमपी साहब, कभी आके पूछा है तुम्हारे साथ क्या दुखड़ा हो रहा है, क्या दुखड़ा हो रहा है, कभी आज तक। हम जाएंगे कहाँ, हम तो व्यापारी भाई है, यहाँ कहेंगे कि रह जाओ, रह जाएंगे नहीं, अपना चलते बढ़ेंगे अपने के एक डेढ़ रुपये आज आप देख रहे हो कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, बेरोजगारी इतनी हो गई सरकार में, गांव के गांव, शहर के शहर, लड़के विदेश जा रहे हैं, विदेश। आप ये देखो कि आज यंग जनरेशन ढूंढनी मुश्किल हो रही है गांव में, कि क्या कारण है, यही बेरोजगारी का कारण है जो बीजेपी सरकार की वजह से बेरोजगारी आई हुई है। तो हाथ जोड़ के सभी से अपील है, अग्रवाल समाज से व छत्तीस बरादरी से अपील है कि भारी मतों से कांग्रेस सरकार को जिताएं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को जिताएं। सबसे पहले मैं यहाँ आए मीडिया के कर्मचारी मेरे भाई जो आए हैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको सबको पता है कि हजवाना जी ने अभी अग्रवाल समस्त अग्रवाल समाज की जो मीटिंग, एक सम्मेलन करने का विचार किया है कि जो संडे को 1 तारीख को हमारे हो रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला हैं, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहले तो मैं सबसे पहले तो मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हरियाणा कांग्रेस सेल का जिला स्टेट प्रवक्ता बनाया है, मैं उसके लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे समाज का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया सुरजेवाला को प्रदेश प्रवक्ता के लिए। मैं अपने अग्रवाल समाज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि सारा समाज, हर एक वर्ग दुखी है, किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कपड़ा व्यापारी दुखी, आड़ती दुखी, राइस मिलर दुखी, मजदूर दुखी, खुश कौन है इस सरकार में, हर एक आदमी दुख है। और जो आदमी आप कह रहे हो कि वहाँ सम्मेलन था बीजेपी ने किया, लोग वहाँ गए हैं, मैं देसी भाषा में एक बात बताना चाहूँगा, बुआ नाराज होकर अपने घर चली गई, घर दिलने लगे उसका, वह फूफे की इंतजार देखे, मैंने कद बुलावर में जाऊँ, अरे फूफा जी दिन आ गया, बुआ फटक देसी वहाँ जाएगी, तुम देखते रहो ये होने वाला है बहुत जल्दी, एक तरफ सारा भाषा पलटने वाला है, उल्टी बात एकदम जाएगी, सारे व्यापारी इतवार में अपने यहाँ पाएंगे, अपने सारे अग्रवाल समाज एकजुट एक मंच पे इकट्ठे पाएंगे। सॉरी, जब रणदीप सुरजेवाला के साथ अग्रवाल युवा सभा के प्रधान ने जो गया था उनको घटिया बताया गया। देखो, किसी का मुंह हम पकड़ नहीं सकते, कोई किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है, मेरे बारे में कुछ कहे, प्रधान जी के बारे में कुछ कहे, प्रधान जी समाज है, 36 तरह की बरादरी है, किसी के बारे में हम क्या मुंह पकड़ सकते हैं किसी का, वो तो लोगों को पता है ना किस में क्या कैपेबिलिटी है, क्या काम कर सकता है।